ये तो 200 घंटे में सर्विस होती है, इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है, ट्रैक्टर पिंग भी करी हुई है ताकि ट्रैक्टर को हीट ना लगे, आपको रिवर्स स्पीडो के साथ मिल जाता है ट्रैक्टर सिंगल पीट से भी किसान भाई को, तो हम डिटेल में रिव्यू करेंगे आज। मेसी फर्गुसन के 2022 का लेटेस्ट मॉडल है 6026 मैक्स प्रो सीरीज, इसका हम डिटेल में रिव्यू बनाकर दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहले हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे हम ट्रैक्टर के टायरों से शुरुआत कर लेते हैं, ट्रैक्टर के अंदर जो टायर मिल जाते हैं आपको वो मिलते हैं 5x12 के। अगर हम रियर टायर की बात करते हैं ट्रैक्टर के अंदर, आपका टायर को ऑप्शन भी है, आप पीछे का टायर चेंज भी करा के बड़े भी ले सकते हो, 8x18 के टायर मिल जाते हैं पीछे के। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के एक्सल की, तो इसमें 4x4 की एक्सल रोड मिल जाती है आगे की ओर। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग की, तो बैलेंस पावर स्टीयरिंग मिल जाता है जिसमें आगे की ओर आपको सेफ्टी प्लेट भी मिल जाती है लगी हुई दोनों साइड। अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन वगैरह की, जो कि आपको वीडियो नीचे लिखा आ रहा होगा सभी जरूर देखना, 300 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 1530 mm का इसका व्हील बेस है, ओवरऑल इसकी लेंथ आपको सब कुछ नीचे लिखा रहा होगा, मैं आपको वहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर का वजन 950 किलो ट्रैक्टर का वजन है, लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 740 किलो की है। फिलहाल इसकी बात करते हैं इस ट्रैक्टर के हम राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ मिल जाती है वो देख लेते हैं। इसके अंदर ओवर एलिम्बी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पैर की एक्सेलेटर इधर मिल जाती है इधर देख सकते हो, और इसके देख सकते हो हैंड ब्रेक इधर मिल जाता है, और उस ट्रैक्टर का उल्टा ही सिस्टम है। अगर आपकी एक्सीलेटर को ट्रैक्टर के नीचे की ओर करते हो ऐसा, तो ट्रैक्टर की एक्सीलेटर बढ़ती है इसकी घटती है ऐसा, और ऐसा करोगे तो इसकी एक्सीलेटर बढ़ेगी। इसके अंदर जो स्विच मिल जाता है वो आपको किल स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है, कि इस हिसाब से आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, इस हिसाब का ट्रैक्टर बंद होगा, ठीक है। डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है, जो कि अच्छी अच्छी कंपनी आज तक डिफरेंशियल लॉक को ख़त्म कर जा रही है, इस छोटे ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक मिलेगा। उसका जो हाइड्रोलिक लॉक है वो उधर मिल जाता है देख सकते हो, सीट इसके आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है, काफ़ी स्पेस फ्री है ऐसा देख सकते हो। इसमें PCDC के लीवर को एडजस्ट करने के लिए इधर देखा, इसमें PCDC का सिंगल एक ही पीस है जिसका आप एडजस्ट कर सकते हो। इंडिकेटर प्लस पार्किंग लाइट इधर मिल जाती है, इसी के बिल्कुल अपोजिट आपको ब्रेकिंग लाइट और इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, हैलोजन बल्ब भी मिलती है, कंपास फील्ड इधर देख सकते हो, हाइड्रोलिक का ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हैंड पैर के ब्रेक मिलते हैं वो आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हम बात चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, पहले आगे का फेसिया देख लेते हैं ट्रैक्टर का, कितना जबरदस्त लगता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के साइड में से, तो इसके अंदर सिंगल क्लिच का ट्रैक्टर का ऑप्शन है, 4x4 4x2 करने के लिए लीवर इधर मिल जाती है, 3 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स है, आज में हाई मीडियम लो यानी कि इसके अंदर 6 गियर फॉरवर्ड और 3 गियर रिवर्स मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर। इधर ग्रैब हैंडल भी मिल जाती है, जो कि आपको इसमें पकड़ करके आपको स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। थोड़ा सा इसका स्टेयरिंग देख लेते हैं, डिजिटल एनालॉग मीटर मिलेगा, पूरा डिजिटल मीटर है इसके अंदर, ये सुइयां भी जो है ना इसकी डिजिटल में चलती है पहले, जिसमें आपको रेटेड आरपीएम दिखा के 4000, लेकिन इसके रेटेड आरपीएम जो मिलते हैं आपको 2110 रेटेड आरपीएम मिलते हैं। और छोटा सा स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग बड़ा ही शानदार लगता है। अगर डीजल टैंक की बात कर लेते हैं, 25 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, जो कि फाइबर का है, फाइबर का होने का बेनिफिट ये होता है इसमें कभी मॉइस्चर जंग वगैरह नहीं बनते, और इससे हमारे ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, जो कि लॉक वाला है, आप ऐसे घूमते रहे कभी भी नहीं खुलेगा, जब तक इसका लॉक नहीं खुलेगा ये ऐसे ही घूमता रहेगा फ्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 7.5 क्विंटल की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। AD सेंस के साथ ट्रैक्टर की लिंकेज मिल जाती है इधर देख सकते हो आप, ठीक है ना, जो कि PCDC के लीवर के साथ साथ, और इसमें नंबर प्लेट के लिए भी आपको प्रोविजन कंपनी फिट मिल जाती है, और इसकी जो पीटीओ है वो आपको रिवर्स पीटीओ के साथ मिल जाता है, ट्रैक्टर सिंगल पीटीओ के साथ मिल जाता है। और बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बोनट की, इंजन कैसा मिलता है इंजन भी देख लेते हैं एक बार इसके अंदर, आपको आगे दिखाता हूँ। मैं 2 चैन करने के लिए भी कंपनी ने प्रोविजन पहले ही कर रखी है। अगर हम बोनट की बात करते हैं, सिंगल पीस बोनट है जो कि स्विच को खींच दबाने के बाद खींचता है। SFC की बात करते हैं तो 310 ग्राम किलो प्रति घंटा की मिल जाती है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, और इसकी 14.5 किलोवाट में यानी कि 24 HP की इसमें PTO पावर मिल जाती है, इसे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल बोनट खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आगे की तरफ 2 लाइट मिल जाती है हैलोजन बल्ब के साथ, तो देख सकते हो इसमें सिंगल पीस बोनट है, जिसमें हम अंदर देख सकते हो डैम्पिंग भी करी हुई है ताकि ट्रैक्टर को हीटर ना लगे और ट्रैक्टर ज़्यादा वाइब्रेट ना करे। बैटरी आगे मिलती है, ट्रैक्टर को बैलेंस बनाकर रखने में काफ़ी कारगर होती है। डबल जाली मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर, देख सकते हो एक जाली इधर लग रही है, जिससे आपको ट्रैक्टर कभी चौक नहीं होगा। इसका जो एयर क्लीनर मिल जाता है और 3 स्टेज मिलता है, जो कि ड्राई टाइप मिलेगा। अगर इंजन की CC की बात करते हैं, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2110 RPM इंजन की, 1320 CC का इंजन है, ठीक है ना। और कार जैसे ट्रैक्टर की आवाज़ होती है, और इसके अंदर देख सकते हो इसमें डीजल फिल्टर जो मिल जाता है वो सिंगल पीस मिलेगा,
ठीक है ना, यानी कि आपको अलग से दो दो फिल्टर बदलवाने कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे इधर देखते हो, इसका जो साइलेंसर होता है वो उसके अंदर ही हंडी होती है, क्योंकि ये नीचे की ओर आता है साइलेंसर एग्जॉस्ट, देख सकते हो दरियरा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का स्पेशल उपयोग होता है बागानी खेत के लिए। तो पूरा का पूरा साइलेंसर भी ये देख सकते हो कवर कर रखा है, ठीक है, जिससे हमारे किसी भी ट्रैक्टर के किसी भी पार्ट्स को ये गर्म करके इसे हीट ना कर सके, ख़राब ना कर सके। 28 HP का ट्रैक्टर है पूरा ये, और कोई इसमें टर्बो EGR वगैरह कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर होता है। लेकिन इसकी जो वैसे टेक्नोलॉजी देखी जाती है वो काफ़ी हाई एंड रेंज की होती है, जो कि अमेरिकन और जापान को देखते हुए ये मिनी ट्रैक्टर का बनाना शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर भी, जो क्रेज चला है ट्रैक्टर का। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की सर्विस की, तो 200 घंटे में सर्विस होती है, इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है इस ट्रैक्टर का, ठीक है ना। ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन है अभी बढ़ के आ गई है 2022 के अकॉर्डिंग, और पहले इस ट्रैक्टर की जो थी, अगर हम इसकी सर्विस की बात करते हैं तो 1000 घंटे की, एक साल की वारंटी मिल जाती है इस ट्रैक्टर की। और SFC मैंने आपको दिखाई है, 310 ग्राम किलो प्रति घंटे की SFC है, ठीक है ना। PTHP भी दिखा दी मैं इसकी, एक बार आपको आवाज़ सुनवाता हूँ ट्रैक्टर कैसी है। अगर हम डीजल खपत की बात करते हैं तो ट्रैक्टर की डीजल खपत पूरे फुल लोड पर 2 लीटर 2.25 लीटर से ऊपर नहीं आएगी, और काफ़ी अच्छा वर्क करता है ट्रैक्टर। फिलहाल जैसे मैं ऊपर आ चुके हैं, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ उस ट्रैक्टर के मीटर दिखाता हूँ। सबसे पहले मीटर कंसोल, 4 चाबी मिलती है, 2 स्टार्टिंग की है, 2 डीजल टैंक की है, और इसकी स्टार्टिंग भी दिखाऊंगा। इसकी जो मैं एक्सीलेटर के बारे में बता रहा था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। मीटर देखना पहले आप, मीटर कंसोल तो फुली डिजिटल मीटर है ये, स्टार्ट होने पहले जो मीटर की सुई घूमती है तो डिजिटल की पहचान होती है। पहले ट्रैक्टर न्यूट्रल होगा, उसके बाद ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। तो देखो तो ट्रैक्टर स्टार्टिंग हो चुका है, स्टेरिंग की कटिंग दिखा देता हूँ। फुल लोड पर ट्रैक्टर की कटिंग देख लीजिए आप, अभी मैं इसकी एक्सीलेटर नीचे की ओर तो चल रही बंद है, हाँ देखो फुल लोड, अब इसी चाबी से ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। तो कैसा लगा ट्रैक्टर आपको कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना।